मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। आपको बता दें कि दारुल फलाह मस्जिद के पास यस्वी कैन फाउंडेशन और खिदमत खल्क की तरफ से एक कैंप लगाया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर जो कलाम पाक है वो फ्री में दिया जा रहा है और लोग यहाँ पर आकर ले भी रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है हसन मुलानी साहब, हम उन्हीं से बात करेंगे कि यहाँ पर किस तरह से कैंप लगाया गया है और लोगों को फ्री में कलाम पाक दिया जा रहा है। क्या बताएंगे हसन भाई इस पूरे कैंप को लेकर? इस्लामुद्दीन भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज 9 अप्रैल दारुल फलाह मस्जिद के बाहर हमने कैंप लगाया है। दरअसल रमज़ान से पहले हम हर साल यस्वी कैन फाउंडेशन और खिदमत खल्क ट्रस्ट, कौसा जामा मस्जिद ट्रस्ट के सपोर्ट से पुराने जो कुरान होते हैं, फतेह और आख जो होते हैं, दीनी किताबें, इस्लामिक कैलेंडर और रमज़ान के कार्ड जो शहरों में यहाँ वहाँ पड़े होते हैं, जिससे शहर का कई बार माहौल ख़राब हुआ है होने की इससे हालात बन जाते हैं, तो हम उसे तमाम उलमाओं की निगरानी में ठंडा करने की कोशिश करते हैं। तो बड़ी बदकिस्मती रही है कि अच्छी अच्छी किताबें, नए कुरान, ऐसे पढ़ने लायक अच्छे कुरान जो है, ये ऐसे कुरान भी साथ में आ जाते हैं। तो हमने इसको छाटा, जो पढ़ने लायक कुरान है उनको अलग किया और उन्हें आज यहाँ कैंप के जरिए आवाम को फ्री में तकसीम कर रहे हैं। तकरीबन 400 से 500 अलग अलग किताबें थी। कई सारी हमारी मुस्लिम बहनें जो आए उन्होंने दिलचस्पी दिखाई, बाजार के साथ साथ कई सारे भाई आए, उन्होंने भी कई सारे किताबें, दीनी किताबें, सूरे और कई सारी हदीसों की किताबें ले गए और ये बस कुछ ही 25-30 किताबें बची हुई है और ये आधे घंटे में तमाम किताबें खत्म हुई है। सुन भाई, ये जो कलाम पाक यहाँ पर आप दे रहे हैं, फिर में और भी कई किताबें हैं, ऐसे ये काम जो है आप लोग कितने दिनों से कर रहे थे और कितने दिनों में जमा हुआ? क्योंकि आप लोग की एक बार और भी ऐसी जानकारी आई थी, वीडियो भी सामने आया था, आप लोग किताबें रखे हुए थे, तो अब तक कितने कलाम पाक आप लोग के पास रखा हुए थे जो पुराने थे? और ये भी बात अच्छी है कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं कि शहर में कहीं भी ऐसे पड़ी ना रहे, बेहरमती ना। जी इस्लामुद्दीन भाई, ये हमारी पहली कोशिश है। पिछले साल भी ऐसी कई किताबें जमा हुई थी तो हमने मुंबई और भिवंडी और दीगर अलग अलग जगहों की तंजीमों को दे दिया था, लेकिन इस बार हमने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई। हमें 2000 से ज़्यादा किताबें मिली थी, 2000 से ज़्यादा इस्लामी किताबें जो पढ़ने लायक थी, कुरान थी, कई अलग अलग मायने की थी, गुजराती लैंग्वेज में और बहुत अलग अलग तमिल लैंग्वेज के कुरान मिले थे। हमने उसमें से तकरीबन 1500 कुरान अलग अलग तंजीमों को दिया जो खास इसी पे काम करती है, बांद्रा और नवी मुंबई और दीगर जगहों पर हमने उनको दे दिया। इस बार हमने हिम्मत जुटाकर 400-500 किताबें हमारे पास रखी कि क्यों ना हमारे शहर के लोगों को भी इसका फायदा पहुंचा जाए, और ये हमारा पहला कोशिश है। और दीनी किताबों को जो फटे पुराने और औराख जो होते हैं उसको ठंडा करने का हम पिछले कई सालों से कर रहे हैं। बहुत से ऐसे गैर मुस्लिम हैं जो पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी है यहाँ पर कुछ किताबें? बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए है। बहुत आसान अल्फाजों में हिंदी, मराठी, इंग्लिश तर्जुमे में पूरा पूरा कुरान अवेलेबल है। इस्लाम क्या होता है, इस्लाम की बुनियादें क्या है, इस्लाम में रोजे कैसे मायने रखते हैं, हज क्या होता है, तमाम चीज़ों की बहुत डिटेल वाली किताबें हैं। कैंप अभी लगा हुआ है, कुछ देर में ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी को और दीनी किताबें वगैरह कभी चाहिए होगा तो यस्वी कैन फाउंडेशन के नंबर 9820802086 पर कॉल कर सकता है। हमारी कोशिश होगी कि दीनी किताबें उन तक पहुंचाई जाए। ये हसन मुलानी भाई थे जिन्होंने बताया यहाँ पर ये कैंप लगाया गया है। आप देखेंगे कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं और दीनी किताब यहाँ से फ्री में लेकर जा रहे हैं। अगर कुछ ही किताबें यहाँ पर रखी हुई है, अगर आप भी लेना चाहते हैं तो आप भी दारुल फलाह मस्जिद के पास आए और यहाँ पर कैंप लगाया जाए यस्वी कैन फाउंडेशन की तरफ से, आप भी यहाँ से दीनी किताब बिल्कुल फ्री में हासिल कर सकते हैं।